लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मजूरी की रुपयों के चलते अरौली पुलिस थाना अंतर्गत के धर्मपुरी में एक कामगार ने अपने ही मालिक पर देसी कट्टा तानने की वारदात घटी है। आरोपी का नाम अरुण कुमार जयसवाल, सुजलपुर मध्य प्रदेश, तो मालिक का नाम वीरपाल सिंह चौहान बताया गया। पिछले साल से रामटेक भंडारा राजमार्ग का सीमेंट कंक्रीट का काम चल रहा था। वीरपाल सिंह चौहान ये SG इंफ्रा कंपनी को लेबर मुहैया कराते थे, तो आरोपी अरुण जयसवाल रोड कटाई का काम करता था। वीरपाल द्वारा पिछले 2 महीने से लेबर पेमेंट नहीं किया गया है, जिससे आरोपी अरुण द्वारा उसके मजूरी की 20,000 की मांग करने पर दोनों में बहस हुई और आरोपी ने देसी कट्टा निकालकर रुपए ना देने पर वीरपाल और उसके चाचा रटकेर सिंह को जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोली पुलिस ने आरोपी से देसी कट्टा बरामद किया है। सवान होना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या भंडारा तुम सर रोड खाद रोड वर रोड कंस्ट्रक्शन काम असल्यामुळे त्यांचा पेटी ठेकेदार आहे, ते HB इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी म्हणून आहे, ते रोडचं काम बघते, त्याच्याकडे हा लेबर कॉन्ट्रॅक्टरचं काम करतो वीरपाल सिंग चौहान, याच्याकडे अरुण जयस्वाल राहणार हा सुरजापूर मंडी साजापूर राहणार मध्य प्रदेशचा राहणार असल्यामुळं हा एक त्याच्या कामाला आहे, त्याकडे कामाला आहे एक मागे एक वर्षापासून, त्याला काही 1-2 महिन्यात पेमेंट काय दिलं नव्हतं, त्याच्यामुळं त्यांनी पेमेंटची मागणी त्याच्या काकासोबत केली होती, म्हणजे काकासोबत काकाने म्हटलं की सध्या पुतण्या बाहेर गेल्या आल्यानंतर तुम्हाला पैसे देतो असं म्हणून त्यांनी काय केलं, मग त्या तारखेला त्याला धमकी वगैरे दिली होती काकाला की मेरे पास कट्टा आहे, मग मारूंगा, हे करूंगा, वो करूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर से अशोक पवार की रिपोर्ट। अनेक वन जीवों को आश्रय देने वाले जिले में मौजूद ज्ञानगंगा अभयारण्य में मवेशियों की अवैध चराई पर बड़ी हद तक अंकुश लगाने में वन जीव विभाग को सफलता जरूर मिली, किंतु जंगल में चराई रुकने के कारण घास पेड़ पौधे काफी संख्या में बढ़ गए, जिनके लिए आग की चिंगारी घातक साबित हो रही है। अक्टूबर से दिसंबर तक अभयारण्य में 3 बार आग लग चुकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए आग पर तत्काल रूप से काबू पाने के लिए वन जीव विभाग द्वारा 45 युवकों को आग रोकने का विशेष प्रशिक्षण देते हुए अग्निरक्षक तैयार कर रहा है। आग पर काबू पाने की दृष्टि से उपयोजना करते हुए अभयारण्य से सटे ग्रामों में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 1 माह का आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद इन युवक को अभयारण्य में आग की रोकथाम के लिए अग्निरक्षक के रूप में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बुलढाणा जिले का नहंगा अभयारण्य है, तो वहाँ पे जो पिछले साल आग लगी थी, तो उसकी जो प्रिकॉशन के हिसाब से जो इस साल में जंगल जलने को नहीं होना, इसलिए हमने 1 महीने का ट्रेनिंग रखा है, और ट्रेनिंग के अंदर जो VDC के अंदर के जो गांव है हमारे, तो उनको रोजगार मिलेगा और 1 महीने का उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद जो 15 फरवरी से 15 जून तक का, तो उनको हम फायर में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और उसके साथ ही जो ये अभी फायर लाइन कटिंग के जो काम है वो 50% पूरे हो गए, और उसके जो अंगारना लगने का उसके लिए हमने फायर ब्लोअर जो जो कि हमने अभी सब प्रिकॉशन लिए अभी। महाराष्ट्र के बुलढाणा से अनिल सिंह चौहान की रिपोर्ट। थाना विशेष वर्गंज क्षेत्र की घटना का है, जहां पर पहले अपहरण करने की साजिश रची गई और जब साजिश नाकाम होते नजर आई तो अपने ही पति को मौत के घाट उतारना चाहा।
और सहारा लिया गया अपने ही आशिक का। आशिक ने अपनी प्रेमिका की बात मानी और उसे शौच के बहाने अपनी प्रेमिका को भगा ले गया। आस पड़ोस में ही हवा उड़ी कि मधु का अपहरण किया गया, जबकि इन सारी घटनाओं के पीछे खुद मधु का ही हाथ था। ये अपने परिजनों से बात करती रही, किस प्रकार से अपहरण के दौरान प्रताड़ित की जाती है इसकी बात कहती रही। पुलिस ने भी अपहरण की घटना को सत्य मान लिया था, लेकिन जब फोन सर्विलांस पर लगाया गया तो सच्चाई निकल कर आई। वे चौंकाने वाली प्रेमिका की प्रेमिका नाम कौशल था। कौशल के पास पुलिस की बरामदगी के दौरान एक अदद चाकू बरामद हुआ। इस साजिश के पीछे कौशल के साथ उसका दोस्त शिव कुमार भी शामिल था। शिव कुमार व कौशल और मधु, ये तीनों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इन लोगों ने अपना एक बालिया बयान जुर्म कबूल किया। फिर उन्हें संबंधित धाराओं में तत्काल जेल रवाना किया गया। ये 18 दिसंबर को अपने पति के साथ बाहर गई थी शौच के उद्देश्य से। वहां पर इनके पति को पेड़ से बांध दिया गया और जानलेवा हमला किया गया, मारपीट की गई। इसके बाद जो FIR आई उसके अनुसार मधु का अपहरण हो गया। इस मामले में पुलिस ने टीम गठित करके युद्ध स्तर पर प्रयास किया कि मधु की गिरफ्तारी की जाए, बरामदगी की जाए, क्योंकि मधु लगातार फोन से संपर्क में थी और ये बता रही थी कि मेरी हत्या हो सकती है। दो दिन लगातार पुलिस ने अथक परिश्रम करके इनकी बरामदगी की। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर दिल्ली से लखनऊ जा रही हापुड़ डिपो की बस साइड में खड़े ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के ड्राइवर रवीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और 4 यात्री घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, घायलों को बस से निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजवाया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। एक्सीडेंट में घायल महिला यात्री अरुणा ने बताया कि वह दिल्ली से बरेली जा रही थी, बस ड्राइवर की तरफ से टक्कर लग गई थी, ड्राइवर की मौत हो गई और वह शीशे से बाहर गिर गया। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको ये भी बताते चले कि एक्सीडेंट सुबह 5 बजे हुआ और घने कोहरे के चलते एक्सीडेंट होने की वजह बताई जा रही है। टाइम नहीं पता और बस ड्राइवर की तरफ से टक्कर लगा है, ड्राइवर तो मर गया, मैं शीशे से बाहर गिर गई, मुझे नहीं पता मुझे किसने उठाया और कौन हॉस्पिटल लाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद में नगर पंचायत अगवानपुर में 7 वर्ष पहले बनाया गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन अभी तक बिजली व पानी की सुविधा नहीं है। जबकि अगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक 3 तरह की दवाइयों के डॉक्टर इलाज के लिए बैठे हैं, जिस पर काफी दूर दूर से प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने भी आते हैं। लेकिन बिजली की व्यवस्था ना होने के कारण मरीजों का इलाज अधूरा किया जाता है, जो कि आए दिन अधूरे इलाज को लेकर अस्पताल में मरीज हंगामा करते रहते हैं, जिस पर डॉक्टर से अधूरे इलाज व मरीजों की नाराजगी का कारण जानना चाहा तो एलोपैथिक के डॉक्टर सलाउद्दीन ने बताया कि जब से अस्पताल बनाया गया है तभी से अस्पताल में बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसी मेडिसिन है जो फ्रिज में रखना जरूरी होती है, पर बिजली ना होने पर ऐसी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी अधिकारी को लिखकर दिया है, लेकिन अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनिल कुमार सागर की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही चुनावी जनसभाओं में किसी प्रकार चुनाव जीतने के लिए राजनेता सरे हथकंडे अपना रहे हैं। कभी राम मंदिर, कभी GST, तो कभी हनुमान जी को दलित बताकर राजनेता किसी तरह से वोटरों को अपनी ओर करके किसी तरह केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं। वही जनवादी पार्टी की रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले को खाली करते समय उनके ऊपर नल की टोटी की गायब करने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का बदला फिर से सत्ता में आने के बाद भाजपा के मंत्रियों के बंगले से चिल्लम को भी ढूंढ कर दिखने की बात कही। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के बाद सपा अपने अपमान का बदला चुनाव में टोटी के बदले चिल्लम को हवा देकर जनता को अपने पाले में करना चाहती है, जिससे भाजपा से नाराज वोटर किसी भी उलझुल मुद्दे पर ही सपा और उसके गठबंधन के साथ आ खड़े हो जाए, जिससे सपा गठबंधन को चुनाव जीतने में आसानी हो सके। अभी याद होगा हमारा घर छीना था, क्या साजिश की थी इन्होंने, टोटी ढूंढ के लाए थे नल वाली। हमने भी तय कर लिया है कि जब तक चिलम नहीं ढूंढी जाएगी तब तक हम भी नहीं मानेंगे।
चौथी ढूंढी है तो हम भी चिलम ढूंढेंगे, और गाजीपुर के लोग जानते हैं चिलम में क्या भरा जाता है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोना तहसील में एक अधिवक्ता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके एक दिवसीय शोक के लिए सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने एसडीएम को शोक प्रस्ताव पास करने के लिए पत्र पेश किया, लेकिन एसडीएम ने उनके इस प्रस्ताव को पास नहीं किया, जिससे अधिवक्ता नाराज हो गए। इसके बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम पर मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दिया कि अगर अधिवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया जाएगा तो कार बहिष्कार कर आंदोलन किया जाएगा। वही महिला एसडीएम अंकुर लाठर ने बताया कि बहुत सारे केस पेंडिंग है, इसलिए उनका प्रस्ताव पास नहीं किया गया। प्रस्ताव दिया जाना किसी भी कारण से निराधार है, जिससे वादी ही सफर करता है। जैसे हमारे पैमाइश के जो वाद हैं, बंटवारे के बाद हैं, वो कितने दिनों से पेंडिंग है, और सिर्फ इस कारण से कि बार बार ये लोग प्रस्ताव दे देते हैं और हमें ये मजबूर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि हम उसको माने, जो कि बिल्कुल ही गलत है, नियम के विरुद्ध है। और आगे मेरे न्यायालय में अगर किसी वादी को भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे व्यवहार अच्छा नहीं किया है, किसी वादी को एंट्री से ये लोग बिल्कुल मना नहीं कर सकते, इनके द्वारा व्यवहार बिल्कुल नियम रोका जा रहा था क्या वादकारियों को बिल्कुल, और उनके साथ बदतमीजी भी की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त, मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।